के सम्मेलन आगे भी किए जाएंगे, होते भी रहे हैं। तो एक प्रयास, एक शुरुआत है, क्योंकि जहाँ तक सम्मान की बात है, बाबा साहब का अगर आप आंदोलन देखें, वो केवल रोजी रोटी के लिए नहीं था, वो है अपनी जगह, लेकिन उससे भी बढ़कर स्वाभिमान और सम्मान के लिए था। तभी उन्होंने सारी चीज़ें, उनका जितना भी साहित्य है, उनकी सारी विचारधारा वो इसी बात पर है। तो आज ये जो सम्मेलन है, एक ये प्रयास है कि भाई हमारा जो सम्मान है उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा और इसकी एक रणनीति बनाई जाए राष्ट्रीय स्तर पर, ताकि हम कुछ परिणाम हासिल कर सकें, किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकें। इसीलिए आज का सम्मेलन है। सर, आपने बताया कि हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकें। सर, ये जो हम एसी के अंदर और ये इतने बड़े आंध्र प्रदेश भवन के अंदर हम इस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन सर ये जब ये हम शहरों के अंदर, कस्बों के अंदर प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन हम गाँव देहात तक नहीं जाएंगे, तो हम उन लोगों की कैसे हम उनके संघर्ष को आगे पहुँचा सकते हैं? सवाल आपका बिल्कुल जायज सवाल है, दुरुस्त सवाल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जाने ही रहे, गांव तक नहीं जा रहे। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, अगर आप ईमानदारी से देखेंगे, उसमें 80% लोग गांव से, दूर दराज से आए हुए आदिवासी लोग हैं, गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, जो मध्य प्रदेश से आए हैं, उत्तर प्रदेश के पिछड़े इलाकों से आए हैं, हरियाणा के इलाकों से आए हैं, गुजरात से आए हैं। तो वो लोग जो हैं वो गाँव से आए हुए लोग हैं। और मैं मानता हूँ ऐसा होता रहा है कि ये जो एसी की, एयर कंडीशन की संस्कृति है, इसने बड़ा बेड़ा गर्क किया है। अगर एसी की संस्कृति से उभर गए होते तो हमारे एमएलए, एमपी जितनी बड़ी तादाद में हैं, वो समाज के लिए 70 साल में बहुत कुछ कर गए होते और हमें नहीं लड़ना पड़ता। तो वो सारी की सारी चीज़ें निश्चित रूप से समाज के लिए अहितकारी रही हैं। पर यहाँ जो लोग हैं वो बेशक इस कमरे में बैठे हैं, आप इसे एसी कह सकते हैं, लेकिन हैं दूर दराज के लोग, और एक जगह है बैठने के लिए जहाँ बैठ के बात कर सकते हैं, सिर्फ इतना ही है। लेकिन ये लड़ाई जमीन पर लड़ी जाएगी। यहाँ जो लोग इकट्ठे हैं वो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जमीन पर लड़ने वाले लोग हैं। अधिवक्ता जी, अगर हम बात करें चंद्रशेखर की, उन्हें हाई कोर्ट से जमानत हो गई, जमानत होने के बाद में बिगर इन्फॉर्मेशन के उन पर रासुका लगा दी गई, तो ये मतलब क्या ये संविधान में एक छल नहीं है? नहीं, संविधान में छल है ही, निश्चित रूप से संविधान में छल क्या, संविधान के साथ छल है, देश के लोगों के साथ छल है। और अगर मैं सीधे शब्द में कहूं कि ये सरकार की, और शब्दों में कहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार की, भाजपा सरकार की खुली गुंडागर्दी है, न्याय के साथ खिलवाड़ है, कानून के साथ खिलवाड़ है, मजाक है। अगर ये नहीं होता, सब कुछ कानून के अनुसार होता, तो आज हमें सब यहां आने की, इकट्ठा होने की जरूरत क्या थी? यही तो संघर्ष है, क्योंकि हमारे लोगों पर चाहे कुछ ना हो, बेगुनाह होते हुए भी जबरदस्ती मुकदमे बनाए जाते हैं, जेलों में ठूसा जाता है। उसी सारी चीज को बदलने के लिए, उसी अन्याय अत्याचार को रोकने के लिए हम लोगों का ये एक प्रयास है। सर, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर अभी चुनाव हुआ, और जहाँ जहाँ बैलेट पेपर से चुनाव हुआ है वहाँ बैलेट पेपर में बीजेपी ने हारने का काम किया, और जहाँ मशीन से चुनाव हुआ है वहाँ वहाँ जीतने का काम हुआ है, तो इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, जहाँ तक ये बात है कि बैलेट पेपर से जहाँ हुआ वहाँ वो हारे हैं, और जहाँ उससे ईवीएम से हुआ वहाँ वो जीते हैं, सही मायने में वो जीते कहीं भी नहीं हैं। अगर आप कैलकुलेट कर ले तो वो कहीं भी नहीं जीते हैं। और ये जो परिणाम है, ये जनता की उस भावना को तो आपके सामने लाते ही लाते हैं कि यार ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है, अन्यथा परिणाम जो बैलेट पेपर के हैं, ईवीएम के हैं, अलग अलग नहीं होते, लेकिन वो बहुत बड़े हैं। पर मैं इससे आगे बढ़ के एक बात कहता हूँ कि ये सारा का सारा भ्रम है, बीजेपी कहीं नहीं जीती। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 16 जिलों में नगर निगम बनाया गया, उन 16 जिलों में 14 नगर निगमों में बीजेपी जीती है, 2 में बीएसपी जीती है, बाकी उसके अलावा 198 नगर पालिकाएँ हैं जिनमें 59 जिले हैं और तहसीलें हैं बड़ी बड़ी, उनमें 198 में से मात्र 70 सीटें जीत पाई बीजेपी, बाकी जो हैं 128 सीटें वो हारी है। इसके अलावा 438 नगर पंचायत की सीटें हैं जिनमें से मात्र 100 सीटें जीत पाई बीजेपी, बाकी सारी की सारी वो हारी है, 338 हारी है। तो बीजेपी जीती नहीं, बहुत बुरी तरह से इस बार के नगर निगम के चुनावों में हारी है। और अगर कैलकुलेट कर लें तो 2017 में विधानसभा की जो 325 सीटें मिली, आज के हिसाब से अगर आज इलेक्शन करा दिया जाए, मात्र 114 सीट बीजेपी जीत रही है, कहीं वो है नहीं। ये बीजेपी की हालत है, और ये हालत उसकी उन गढ़ों में हुई है जहां पर शहरों में बीजेपी का ज्यादा
बहुमत होता है, उनको मानने वाले, उनको वोट डालने वाले ज्यादा लोग हैं। तो बीजेपी कहीं नहीं लड़ाई में, ये जो बात कह रहे हैं और वो बात, लोगों का शक वो संदेह बहुत सही सिद्ध हो जाता है कि बैलेट पेपर में अगर तुम्हारी हालत है तो ईवीएम, अगर वहां भी ईवीएम की जगह बैलेट पेपर होते तो और बुरा हाल होता। तब ये मेरा अपना ये विचार है इस विषय।